बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। मेरी जो 17वीं वर्षगांठ थी, उस समय जो भी जलसा हुआ था, उस समय जया का यह विचार था कि भारत के जितने भी प्रख्यात हस्तकला और कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, उन सबको कहा जाए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और उसे पेंटिंग के रूप में वो हले। तो 70 जो कि विख्यात हस्तकलाकार थे भारत के, उनके द्वारा सब ने अपनी अपनी एक रूपरेखा बनाई और उसे किताब में हमने डाला और उस पुस्तक का विमोचन हुआ था जिस समय वो जलसा हुआ था। उस पुस्तक का नाम था 2070, ये है वो पुस्तक। और इसके अंदर तो ऐसे सब लोगों ने उसमें अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया था और मेरे बारे में कुछ लिखा भी था। तो क्योंकि ये जया का ये विचार था कि हम सब लोग जो हैं वो गर्ल चाइल्ड से कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं सब गर्ल चाइल्ड के लिए काम करते हैं। मैं एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुझे एम्बेसडर बनाया गया है गर्ल चाइल्ड का, और जया का भी काफ़ी योगदान रहा है, बच्चों का भी योगदान रहा है। तो हमने सोचा था कि प्लान इंडिया, जिसके यहाँ पर सब जो लोग इससे संबंधित हैं यहाँ पर आज उपस्थित हैं, वो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करते हैं। हमने कहा था कि इस किताब की जो कितना भी प्रॉफिट होगा या सेल होगा वो हम चैरिटी में इस संस्था को देंगे। हम लोगों ने करीबन 40 लाख उसका प्रॉफिट हुआ था, उसमें से टैक्स वगैरह कट के तो 25 लाख रुपए है, और वो चेक आज हम देना चाह रहे हैं प्लान इंडिया। तो गोविंद जी आप कुछ बात करेंगे या आप बता दें? तो अब आप इनसे सुन लीजिए कि प्लान इंडिया क्या है और आपका क्या प्रपोजल है, वो बता दीजिए। आई थिंक वी शुड गिव द चेक। अरे आप दीजिए, आप चेक आउट। अभिषेक अभी आ जाएंगे जॉइंट फोटोग्राफ के लिए। थैंक यू सो मच। अब आप गोविंद जी कैन यू जस्ट टॉक अबाउट। आप पहले बताओ। सबसे पहले तो मैं, मुझे पता नहीं कि मैं जया जी और बच्चन के आभार कैसे व्यक्त करूं। आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम है, आई एम भाग्यश्री डेंगले एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्लान इंडिया। प्लान इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में हम लगभग 11 राज्यों में काम कर रहे हैं, 5000 कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्टली हम 10 लाख बच्चों तक पहुंच रहे हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो हमारा ग्रासरूट लेवल का काम और जो लड़कियों के लिए हम काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि लड़कियों के राइट्स कैसे वायलेट होते हैं। इवन वेन शी इज़ इन द वोम्ब ऑफ हर मदर, That is the time she is killed. India has the highest female feticide ratio. After that, early childhood care, education, early marriage, violence. अभी दिल्ली का जितना रेप केस हुआ था, जया जी का कितना engagement उसमें था, she felt so passionately about that cause, and that is where plan focuses. पिछले 5 साल से plan ने United Nations के साथ बहुत सारी advocacy की, और इसलिए पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड अनाउंस किया, और वो
दिन था 11th अक्टूबर विच हैपन टू बी द बर्थडे ऑफ द लेजेंड ऑफ दिस कंट्री मिस्टर अमिताभ बच्चन. और ये जो सारा इवेंट जया जी ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, जया जी आई वी आर रियली सो ग्रेटफुल टू यू फॉर चूजिंग प्लान एंड फॉर दिस जेस्चर एंड इट्स सच एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट. सो दिस डोनेशन फ्रॉम बोथ ऑफ यू इज एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन उत्तर प्रदेश. वी वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट द प्रोग्राम एंड सी द इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ द work that plan is doing. Govind ji would also like to formally thank you, but before that I would like to tell you that as the 70 artists dedicated paintings to you, children from plan communities in the last 2 days have painted a canvas. They've also made a film making of the canvas, making of a superstar and a legend, which we would present to you later. And but before that I would request Govind ji just to say a few words. And thank you Abhishek and thank you Aishwarya. I think it's the whole family commitment, and at Plan India we are really really grateful, overwhelmed, touched. I mean the words are not enough. Thank you so much. Thank you Amit ji. Thank you Jayaji. Thank you the family. I will speak a little bit about Plan India as an organization. This is an organization that is totally committed to welfare of the children. But there is a slight difference from the other organizations, and that difference is that plans, programs, are designed on two important factors. One is that we take into account and also promote the child rights, because we recognize that the children have their own rights, right to education, right to good health, right to security, right to give their opinion regarding the development in their community. The second part, which is very important for plan, is that we don't look at children as individual entities. We look at children as a part of a community where they belong. So all our programs are designed not only to improve the lives of children, but also the communities, because children don't exist without the communities. So everything is designed so that the community is empowered, community is educated, children are made aware and responsible. And therefore, there is an integrated development of the children and the communities together. And the other thing, we think it is very important that plans, programs are time bound. We go with a certain program to a certain community, could be 5 years, it could be 7 years, could be 3 years, whatever the design of the program is. And the important thing is that we design the program in such a way that when we withdraw, when Plan India withdraws from that community, the community by that time should be sufficiently empowered to carry on. For the development has to be sustainable. It should not be that NGO withdraws and then suddenly everything collapses. So our programs are designed to empower the communities and the children so that they can carry on their own without our presence. So these are the very important factors in our thinking and in our approach. So we call our approach as a child right based community development programs. We are now, for the last 32 years, we are here in India. But the plan as an international organization has been in existence for nearly 75 years, yes, all over the world. So we are very, very proud and happy to have Mr. Bachchan and Jayaji and entire family, Abhishek, Aishwarya, everybody supporting us, because we need the support. You must have seen that plan is very little known, because we don't go into big advertising and all. We have been working quietly, but we are extremely grateful for their support and their concern for the children and this organization. Thank you, sir.
And lastly, just one sentence, we really need to change people's attitudes towards girl children. And I sincerely believe, Mr. Bachchan, Jaya ji, Abhishek, Aishwarya, if you can play that role, because people listen to you. We have this campaign because I am a girl, and I think we have to positively impact the masses of India so that they don't violate rights of the girl children. And thank you very much. I want to make another announcement, and that is, ये जो किताब है, अभी जितनी बिकी है उससे जो पैसा मिला है टैक्स वगैरह काट के उसमें जो कुछ भी बचा है वो प्लान इंडिया को आज दिया गया है. आगे जैसे जैसे ये किताब और बिकेगी और इसमें से टैक्स वगैरह काटने के बाद जो फ़ायदा हमको मिलेगा वो सारा प्लान इंडिया को जाएगा और उसमें से हमारा पर्सनल फैमिली इन्वॉल्वमेंट यही रहेगा कि हमारे जो इसमें से मुनाफा है वो प्लान इंडिया को जाए फॉर गर्ल्स. थैंक यू चाहिए, दैट्स आवर प्रॉमिस. एंड वी वुड लाइक टू प्रेजेंट अभिषेक. वेल आई विश, आई वॉज जस्ट टेलिंग ऐश्वर्या कि हमें ध्यान नहीं आया, नहीं तो आज आराध्या को ले आते, वो चेक दे देती आपको. सो रही है. हाँ आपको फोटो की चिंता है. बच्चों को करने दो. Yeah, no, next.
खूबसूरत बात यह है कि 11th अरे सुनाई नहीं दे रहा, खड़े होने दो उनको। सर जो जो असेंबली ने डिक्लेयर किया है आपके वाले इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होगा, जितनी खूबसूरत बात है आपके लिए, और जिस दिन आपका जन्मदिन होगा उस दिन पूरे देश की परिवेश की हर लड़की का भी जन्मदिन होगा। एक ये क्या कह रहे हैं, उस दिन आपका जन्मदिन होगा, उस दिन विश्व की हर लड़की का भी जन्मदिन होगा। जी जी बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कितनी खूबसूरत बात है ये। वो सबसे खूबसूरत प्रतिज्ञा जो थी वो आपने स्वयं कर दी है, प्रतिक्रिया। अब अपने आप को भाग्यशाली समझता और क्या, कि ये तो क्या कहा जाए, एकदम कोइंसिडेंस है कि ये हो गया ऐसा। लेकिन और ये भी एक तरह से कोइंसिडेंस है कि हम सब का जो विचारधारा थी वो गर्ल चाइल्ड की तरफ गई, और हमें तो पता नहीं था कि इस तरह का काम कर रही है प्लान इंडिया। लेकिन जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि ये सही दिशा है जिस ओर हमको जाना चाहिए, और इसलिए हमने ये काट किया। एनीथिंग एल्स, इन बच्चों से पूछिए कि प्लान इंडिया की वजह से इनको क्या मदद मिल रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं। हम लोगों से तो आप लोग पूछते रहते हैं, इनसे पूछिए, प्लान इंडिया इनके लिए काम करती है। आप बोलो बेटा, आप इधर आओ, आप यहाँ आओ, आप बताओ, अरे पर्पल, आप कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हैं, इन लोग कुछ बताइए। आप कौन से स्कूल में पढ़ती है? खेड़वाड़ी पढ़ती है। अच्छे से पढ़ाते हैं? कौन सी कक्षा में है आप? और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब पढ़ाते हैं। वेरी, और आप बेटा, आप आओ, आप बोलो। वेरी गुड, क्या उम्र है आपकी? चलो आप ही बोलो। मेरा नाम सचिन है, मैं खेरवाड़ी म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में है। मैं भी स्कूल में 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। वहाँ पे हमें मटेरियल से काम करने का मिलता है, मौका मिलता है, और हमें कहीं भी कॉम्पिटिशन के लिए भी ले जाया जाता है, जैसे जूडो कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन, तो हम आते। पिछले साल हम लोग ना यहीं पर हम लोग आए थे कॉम्पिटिशन के लिए। यहाँ नहीं, इधरी साइड से ही स्कूल है, सेंट्री स्कूल, वहाँ पर हम लोग आए थे। थैंक यू। मेरा नाम दानिश है, मैं उर्दू मीडियम में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ती हो बेटा? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं उर्दू मीडियम में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनी मोर क्वेश्चंस? जी किनका? आई, आप कहाँ लड़कियों की बात हो रही है, आप अफजल गुरु, आप बैठ जाइए, बाद में कर देंगे। एनीथिंग कनेक्टेड विद दिस, एनी अदर क्वेश्चन? आप बेटे खड़े होके बोलिए। अरे स्टील स्टील, द सेम क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, द सेम क्वेश्चन। जी हम सब पूरी परिवार को लगता है कि सिर्फ एक ही दिन नहीं होना चाहिए, पूरी जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। और अच्छी बात है कि 11 अक्टूबर इन्होंने घोषित किया है कि ये विल बी द डे फॉर द गर्ल चाइल्ड, लेकिन हम सबका मानना है दैट दे शुड बी लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ एवरी डे। थैंक यू।
such a wonderful thing. Having said this, I would just like to add that we also believe it's the right of every child to be celebrated every day, irrespective of whether you're a male child or a girl child, a boy or a girl. It's the birthright of every child to be enabled, equipped and empowered in life. The reason obviously organizations like PLAN actually stress and draw attention to the girl child is because of the larger ratio of discrimination and you know, the atrocities that the girl child faces in our country. But having said that, we would like to collectively stress that attention needs to be given to the child, period, irrespective of what gender you belong to. पहल होनी चाहिए और वो चाहे कोई भी संस्था हो, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कुछ नाम इस कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं तो लोगों को पता चलता है आपके द्वारा, और उन सब के ऊपर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम भी कुछ करें। उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा कि एक कार्यक्रम करता हूं मैं, कौन बनेगा करोड़पति, कई ऐसे वहां पर प्रतियोगी आते हैं, जो बहुत सी ऐसे समाज की जो के ऊपर जो पीड़ा पड़ती है वो वहाँ पर अपना दर्शाते हैं। वो चाहे सोनाली मुखर्जी हो, जिसको जो एसिड अटैक की एक विक्टिम थी, या मूसर जात के लोग जो कि बिहार से हैं, जिनके ऊपर समाज ने इनको अलग करके रखा हुआ है, उन सबको देख करके बहुत से लोग जो हैं उससे प्रभावित होते हैं। मेरा गार्डन मत खराब करो आप। बहुत से लोग प्रभावित होते हैं और आ करके दान दक्षिणा करते हैं, इस ओर काम करने के लिए अपने आप को वो घोषित करते हैं कि हम भी काम करेंगे। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि एक पहल होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि प्लान इंडिया एक बहुत बड़ी पहल है और हमारा ये योगदान जो है एक छोटा सा एक योगदान है इस ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि हमारे आवाज़ और हमारे चेहरे से ये प्लान इंडिया की बात जो है वो और बढ़ सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि और लोग भी सामने आएंगे और ये काम और भी बढ़ेगा। That's an individual opinion, and I hope that yes, all of us can come together. It's a very noble cause, and if they are inclined towards this, they are more than welcome. Jayana, would you comment on the same thing? Well, I think it's your own opinion. It's what you feel, what you want to do. Agar wo karna chahe, isse unko agar koi prerna milti hai, to I think it's fantastic. It's a wonderful news, and I hope mile. Also, ma'am and sir, do you by any chance feel that 2013 is bringing in a new change for the country? Do you by any chance feel that the law is getting better in India since we had a good step taken towards the country and taken against the terrorists? If you could just comment on this. Terrorists? Yeah, Abdul Guru has been hanged today. So, that's one thing that everybody has been talking about. And No, I don't want to mix up terrorism and girl child. Let's stick to the girl child. ये संसद में पूछिए, 21 तारीख को आइए आप, उसके बाद संसद के बाहर आप ये सब सवाल का जवाब देंगे। इसको जो है पॉलिटिकल फोरम मत बनाइए। What is that? Along with the monetary contribution, how do you mindset, how change the mindset of people who carry this forward? Yeah. As a family, I've always believed
that there is no difference between the male child and the female child. I've said it on many forums, I'll say it here again. I have a son and a daughter. And when we pass away, all our whatever little we have, our assets will be equally divided amongst the girl and the boy. That's my own personal belief. That is the belief of Jaya and me. We feel we've never had any discrimination between the girl child or the boy. And we feel that they have an equal place in our lives. I hope that this answers your question. I'll tell you. This is just one occasion that you are witness to, where we are publicly giving some money for betterment of a girl child. But there are a lot of other things that we do. We do not want to make it very public because it's not meant for publicity. It's something that we feel very strongly, and and I think that this should be, because it was his 70th birthday, 11th October was declared as a girl child year, and all that, everything coincided that what you are witnessing today is in a public platform. But let me tell you that Plan India does not need publicity, because they have been doing this work for last so many years without any publicity. And whenever we can, we will support this cause. Why only Plan India, but any other legitimate organization which is going to help children, and for me, especially a girl child, definitely we will help. Okay? हमने अभी देखा नहीं है, अभी पता नहीं है क्या है जो कानून का पालन हम सबको करना चाहिए. भारत ने जो कुछ भी किया है वो कानून के तहत किया है, और अगर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसे देश के कानून का पालन करना चाहिए. देश ने पूरी तरह से इसकी तहकीकात करके इसका पालन किया है. हम देश के कानून को सलाम करते हैं. I am not going to make any political statement from this forum. Thank you, Rai. Okay. एक minute. ये बच्ची कुछ सवाल पूछ, इन लोगों से पूछना कि इन लोग क्या करते हैं गर्ल्स के लिए. ये जो इतने सारे बैठे हुए हैं, इसमें लड़कियां भी बहुत सी हैं. सबसे बेटा पूछो, आप लोग क्या करते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए. सवाल पूछने का हक सिर्फ आपको नहीं है, इन बच्चों को भी है. आओ बेटा, आप पूछो. आप किसको पूछना है, कौन पूछेगा? वो पूछ रहा है कि मैं फिल्म स्टार कैसे बना. कैसे बनते हैं भाई साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसके लिए माफ कीजिए. आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बन जाइएगा. ओके, या आई थिंक यू गो बिकॉज़ यू हैव अप्लाइड. सर, आपने स्ट्रगल कैसे किया? नहीं, स्ट्रगल तो हर काम में करना पड़ता है. लेकिन आपने ये एक ही बात की, मैंने पहले और बहुत सा काम किया था. हाँ, कोलकाता में, दिल्ली में, भाई कई जगह काम किया, उसके बाद जा करके यहाँ पहुँचे. और यहाँ भी काम अभी तक काम ही कर रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं. हाँ, रोज देखते हैं. बस, वेरी गुड. Thank you. Thank you.